लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। राहुल गांधी के समर्थन में आए किसान नेता राकेश टिकैत, बोले देश का लोकतंत्र खतरे में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा में आज हंगामे के आसार, केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस। मध्य प्रदेश में इंदौर में पपाया ट्री होटल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर टेंडर की गाड़ियां। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर के लोगों को दी 3,838 करोड़ रुपए की सौगात, खोराबार टाउनशिप का किया शुभारंभ। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में आए 214 केस, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा। अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का आया भूकंप, काबुल था केंद्र। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मदरसे में 14 साल के छात्र से कुकर्म, हिरासत में लिया गया मौलाना। दिल्ली दंगा मामले में दोषी साबित हुए 9 लोगों की सजा पर कोर्ट सुनाएगी आज फैसला। आकांक्षा दुबे मौत मामले में आया नया ट्विस्ट, होटल के कैमरे में कैद हुआ शख्स। दिल्ली गाजियाबाद में छाए रहेंगे बादल। वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव न करे, हो सकती है 5 साल की जेल, रेलवे ने दी चेतावनी। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को MBBS एग्जाम का वन टाइम ऑप्शन देगी सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अटैच किया पूर्व BSP विधायक याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज का प्लॉट। अतीक अहमद के भाई का आरोप, बड़े अधिकारी ने दी जान से मारने की धमकी। निजी गाड़ी से काफिले के साथ जा रहे अतीक के वकील की गाड़ी हादसे का शिकार। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, CBI को जांच सौंपने की मांग। दिल्ली से जयपुर अजमेर के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ रन। भारतीय वस्तुओं सेवाओं का निर्यात 760 अरब डॉलर को पार करने के लिए तैयार, पीयूष गोयल का बयान। सजा के ऐलान के बाद अतीक को कड़ी सुरक्षा के साथ UP से ले जाया गया। हरियाणा पंजाब में फिर दस्तक दे सकती है बारिश, 14 साल बाद मार्च रहा सबसे ठंडा। अमृतपाल सिंह की पंजाब में वापसी, गुरुद्वारे की दीवार फाड़ कर भागा, पूरे इलाके में फोर्स तैनात। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया के इंटीग्रेशन की दिशा में बड़ा कदम, एक ही वेबसाइट से टिकट बुकिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश में फिर पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में 114 नए पॉजिटिव केस मिले। राजस्थान में आज सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर नहीं बन पाई सरकार से बात। हिमाचल विधानसभा में गुंजा पोंग डैम विस्थापितों का मुद्दा, 40 साल बाद भी नहीं मिला अधिकार। असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है केजरीवाल सरकार, BJP का आरोप। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले BJP की बड़ी बैठक, हर जिले में बदले जाएंगे अध्यक्ष। सम्राट अशोक के जरिए गैर यादव वोटर्स को साधने में जुटी BJP। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। ई साइकिल मॉडल के फंक्शंस जानकर दंग रह जाएंगे आप, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उठा सकते हैं इसका लाभ। चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प। ना ये अन्य मोटरसाइकिल की तरह धुआं छोड़ेगी और ना ही पेट्रोल पंप के चक्कर लगाएगी, तो देर किस बात की। आइए त्रुषा EV सॉल्यूशंस में, जहां आपकी मंजिल आसानी से पार होगी बिना किसी रुकावट के। हमारा पता, त्रुषा EV सॉल्यूशंस, गट्टी गोदाम स्क्वायर, कामठी रोड, सदर, नागपुर। हमें संपर्क करें 7709877121। गंजेपन, गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच
शॉप नंबर 114 सदोदे प्लाजा नियर पोदरेश्वर राम मंदिर सी ए रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।